नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है यूपी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और जितने भी उत्तीर्ण छात्र हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और लेकिन इस बार जैसे उम्मीद चल रही थी कि कोविड-19 कोरोना की वजह से रिजल्ट में शायद बच्चों को रियायत मिल सके, ये रिजल्ट पास आउट रिजल्ट का जो परसेंटेज देख के ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल पूरी तरीके से जो एथेंटिक स्टूडेंट्स थे उन्हीं को जो है पास किया गया है। परसेंटेज तो आने पे पता लगेगा। जो बागपत के छात्र ने जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया है और 10th क्लास की परीक्षा में लगभग 33 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। 9th क्लास का जो है जो 12th में 9th रैंक का होल्डर है वो फतेहपुर से है, फतेहपुर प्रॉपर फतेहपुर में कॉलेज है राधानगर में, वहां से आया है। और क्लास 10th में जो 6th रैंक है वो जो है सरस्वती विद्या मंदिर फतेहपुर, वहां से बच्चे ने गेन किया है। और या हम अपने एरिया के मुरलीपुर के छात्र ने भी क्लास 10th में शायद 3rd रैंक गेन किया है ऑल ओवर यूपी में। इस तरीके से 83% छात्र, लगभग 83% छात्र क्लास 10th में पास आउट हुए हैं और लगभग 75% छात्र और छात्राएं स्टूडेंट्स जो है क्लास 12th में पास आउट हुए हैं। 25 इसका मतलब 25% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं क्लास 12th में और लगभग अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 16% स्टूडेंट्स क्लास 10th में फेल हुए हैं, जिस जो दिखाता है कि विगत वर्षों में जो यहां पर परीक्षा में नकल का धंधा चल रहा था वो पूरी तरीके से सरकार ने तोड़ा है, उस पे चोट की है। और अब बिल्कुल पढ़ने वाले छात्र ही अच्छे नंबर लेकर के आगे आ रहे हैं, वही पोजीशन होल्डर हैं और इससे एजुकेशन सिस्टम भी सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा और देश को भी इसका फायदा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।